जरा सोचो, अगर एक शाओलिन मॉन्क एक आम स्कूल में पढ़ने लगे, क्या हालत होगी बाकी बच्चों की। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है ली नाम के एक लड़के से, जो एक शाओलिन गुरुकुल में कुंफू सीखता था। वो जन्म से ही यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा था। एक दिन ली गुरुकुल के मंदिर में गया और माफी मांगी, क्योंकि अब जो वो करने वाला है वो शायद सही नहीं होगा। उसी वक्त एक योद्धा ने साइड से उस पर हमला कर दिया। अचानक हमले से ली चौंक गया, लेकिन उसने जैसे तैसे वार का सामना किया। योद्धा ने उसे दीवार पर फेंक दिया, लेकिन ली कूद कर वापस आ गया। उसने हवा में ही योद्धा के सीने पर वार किए और कुछ ही पलों उसे हरा दिया। इसके बाद बारी आई एक तलवारबाज योद्धा की। ली ने उसे भी अपनी काबिलियत से धूल चटा दी। इसके बाद वो तीसरे योद्धा की ओर बढ़ा। हालांकि वो योद्धा ध्यान में बैठा था, लेकिन फिर भी ली के आने की आहट सुनकर उसने अपनी माला शीशे में दे मारी, जिससे ली की आंखें चौंधिया गई। अगले ही पल में उसने ली को उठाकर जमीन पर पटक दिया। योद्धा बस जीतने ही वाला था कि ली फिसल कर बच गया, और फिर दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। अंत में जीत ली की ही हुई। फिर वो मंदिर में सर झुकाकर बाहर चला गया। गुरुकुल के टीचर ने उसे बताया कि परीक्षा में उसने सबसे ज्यादा हुनर दिखाया है, इसलिए उसे शहर के नए स्कूल में जाने का मौका मिलेगा। शहर में वो तीन लोगों के परिवार के साथ रहेगा, जिसमें दो बच्चे और एक उनका पिता है। वो आदमी दरअसल एक साइंटिस्ट है, जो गुरुकुल के टीचर को जानता था। इसके बाद ली नए शहर की ओर रवाना हो गया। नए स्कूल में एक 15 साल का लड़का फेंग था, जो टाइकोंडो का खिलाड़ी था। उसकी छोटी बहन शैन शैन अपने भाई से बेहद प्यार करती थी। स्कूल के टाइकोंडो क्लब को लैन संभालती थी। वो फेंग के मुकाबले देखकर उसे उसकी कमियां बताती थी, ताकि वो और बेहतर हो सके। लैन का भाई तो एक नंबर का पेटू था। उसे हर वक्त खाने के सिवा कुछ नहीं सूझता था। वो चारों अच्छे दोस्त थे और आसपास ही रहते थे। दरअसल ली लैन के घर ही रहने आने वाला था। उनके पिता डॉक्टर हैन कड़ी मेहनत से काम में जुटे थे। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर गई थी, तो अब वो काम में मस्त रहता था। वो एक खास डिवाइस तैयार कर रहा था, जिस पर शहर के गुंडों की नजर थी। डॉक्टर हैन ने बच्चों को कॉल किया, पर लैन खुश नहीं थी, क्योंकि उसके पिता कभी घर ही नहीं आते थे। डॉक्टर हैन ने जल्द ही आने का वादा किया और उन्हें एक तोहफा खोलने को कहा, जो उसने घर पर भिजवाया था। असल में उस डब्बे में वही डिवाइस था जो वो गुंडे चुराना चाहते थे। तभी ली ने दरवाजा खटखटाया और लैन उसे अंदर ले आई। वो उसे उसका कमरा दिखाने ले गई, और उधर उसके पिता को गुंडों ने बंदी बना लिया। उस गैंग के लीडर लैरी ने डॉक्टर हैन को धमकाकर उससे वो डिवाइस मांगा। डॉक्टर हैन ने कहा कि ऐसा तो कोई डिवाइस है ही नहीं। उसने बताया कि वो तो AI टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जिससे कि उसके बच्चे अपनी माँ की आवाज वाले रोबोट से बात कर सकें। लेकिन लैरी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने CCTV फुटेज से पता लगाया कि वो डिवाइस तो डॉक्टर हैन के घर जा चुका है। फिर लैरी के दो चेलों ने आगे बढ़कर डिवाइस चुरा कर लाने का जिम्मा ले लिया। स्लॉपी और फिस्ट काफी खुश थे, क्योंकि गुंडे बनने के बाद ये उनका पहला मिशन था। उन दोनों ने अजीबोगरीब कपड़ों से भेष बदला और लैन के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने रात को अंदर घुसने का फैसला किया, लेकिन फिर दूसरा कहने लगा कि बच्चों ने स्कूल चले ही जाना है, दिन में चुरा लेंगे भाई, क्या हो गया। घर में ली नए शहर के तौर तरीके सीख रहा था। उसने लैन को टाइकोंडो मैच देखते हुए देखा, तो उसे भी ये खेल दिलचस्प लगा। रात को जब वो ध्यान में बैठा, तो यू की वीडियो गेम की वजह से उन दोनों में बहस छिड़ गई। लेकिन जल्द ही दोनों मिलकर वीडियो गेम का मजा उठाने लगे। उधर लैन ने अपने कमरे में जब वो तोहफे का डिब्बा खोला, तो उसमें एक पांडा की चेन निकली। वो नहीं जानती थी कि दरअसल ये पांडा वो पेन ड्राइव है, जिसके पीछे वो गुंडे कब से पड़े हैं। जब लैन ने बटन दबाया, तो पांडा ने उसे पासवर्ड रखने को कहा। तभी लैन ने कहा कि कैसा पासवर्ड, और अनजाने में यही पासवर्ड सेट हो गया। फिर पांडा को ऑन करने पर उसे पता चला कि उसमें उसकी माँ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली आवाज है। अगली सुबह ली यू और लैन के साथ स्कूल के पहले दिन के लिए निकल पड़ा। उन दोनों गुंडों ने बच्चों को बाहर जाते देखा और अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। लेकिन तभी उनमें से एक की नजर उस पांडा की चेन पर पड़ी, जो लैन ने अपने बैग से टांग रखा था। अब उन्होंने लैन से वो डिवाइस छीनने का प्लान बनाया। रास्ते में लैन ने ली को फैंग से मिलवाया। उसी वक्त एक गुंडे ने चुपके से कीचेन चुरा ली और वहां से भाग गया। तभी ली ने उसे देख लिया, और अपनी फुर्ती दिखाते हुए उसने गुंडे को झट से पकड़ लिया। तभी फैंग भी उसका साथ देने आ गया, और दोनों ने मिलकर उस गुंडे की खूब धुलाई की। लेकिन वो गुंडा अब भी नहीं माना, और एक बार फिर से पांडा चुरा कर भाग निकला। अब की बार उन सभी दोस्तों ने मिलकर उसे कचरे के डब्बे में फिट करके सड़क से लुढ़का दिया। फिर स्कूल में ली की क्लास के बच्चे एक शाओलिन योद्धा को देखकर हैरान रह गए। वो उससे पूछने लगे कि क्या कभी वो शादी कर सकता है।
वो उससे उल्टे पुल्टे सवाल पूछने लगे। तुम कभी शादी कर सकते हो क्या भाई? कुंफू करके दिखा दे भाई। हाँ, एक बार दिखा दो। हाँ, एक बार भाई, एक बार कुंफू करके दिखा दे भाई, मजा आ जाएगा। आखिरकार टीचर ने उन्हें शांत करके कहा कि ये सब खेलने के पीरियड में करना। खेलने के पीरियड में उनके कोच ने बताया कि अगले महीने उनकी चुस्ती फुर्ती की जांच होगी और जो कोई इसमें पास नहीं होगा वो अगली क्लास में नहीं जा सकता। ये सुनते ही यू की हालत पतली हो गई क्योंकि वो बहुत मोटा था। भगवान जानता है भाई साहब कितनी मुश्किल से चलते थे। फिर कोच ने सबसे 100 मीटर की दौड़ लगवाई। ली ने तो समय से पहले ही 2 चक्कर पूरे कर लिए जबकि बाकी बच्चे अभी पहले चक्कर में ही थे। इसके बाद उन्हें पुशअप्स करने के लिए कहा गया जिसमें अपना ली पहले से ही माहिर था। उसने 100 से भी ज्यादा पुशअप्स किए और बाकी बच्चों से तो 2 भी नहीं हुए। बाद में तो उसने एक हाथ से पुशअप्स करने शुरू कर दिए। उसकी काबिलियत देखकर सभी बच्चे कूदने लगे। फिर बारी आई ऊंची छलांग लगाने की। ये तो ली के बाएं हाथ का खेल था। बेचारा यू तो मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। वहाँ डॉक्टर हान की लैब में लैरी ने उन्हें कुर्सी से बांध रखा था और उसे गोल्फ बॉल से पीट पीट कर परेशान कर रहा था। रात को वो दोनों गुंडे मौका देख कर लैन के घर में घुसाए। तभी ली की नजर उन पर पड़ गई और वो एक खिलौने के पीछे छिपकर उन्हें डराने लगा। लेकिन उन्होंने जल्द ही उसे देख लिया और मौका देखकर उस पर हमला कर दिया। जब लैन वहां पहुंची तो गुंडों ने पैंडा चुरा लिया और फरार हो गए। ली ने लैन और यू को सारी कहानी बताई लेकिन उन दोनों को लगा कि वो मजाक कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों गुंडे अपने मुंह में गोल्फ बॉल्स भरकर लेटे हुए थे। असल में उन्होंने गलती से पैंडा की चेन की जगह वैसा ही दिखने वाला एक परफ्यूम चुरा लिया था। लैरी को एक खास डिवाइस 3 दिन के अंदर किसी कंपनी को बेचना है और इसीलिए अब उसे बेचैनी होने लगी। उसने बड़े गुस्से में उन दोनों गुंडों की गोल्फ बॉल्स से निशाना लगाया और उन्हें धमका कर जल्द से जल्द वो खास डिवाइस लाने का ऑर्डर दे दिया। अगले दिन स्कूल में सारे बच्चे फैंक का टाइकोंडो मुकाबला देख रहे थे। वहीं यू और शैन पीछे बैठी 2 बदसूरत लड़कियों के बारे में बातें करने लगी। ये लड़कियां कोई और नहीं बल्कि वो दोनों गुंडे ही थे जो भेस बदल कर वहां आए थे। उन्हें लैन के बैग पर वो पैंडा दिखाई दिया और दोनों उसे चुराने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगे। उसी वक्त ली ने फैंक को एक मुकाबले की चुनौती दी। इस मजेदार मुकाबले को देखने के लिए सभी बच्चे भागकर आगे चले गए। अब सही मौका देखकर गुंडों ने बैग से पैंडा चुराने की कोशिश की लेकिन इस चक्कर में उनके नकली बाल वहीं फंस गए। उधर मुकाबले में फैंग और ली में जबरदस्त टक्कर हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को ना मारने का फैसला किया और मुकाबला खत्म हुआ। उसी वक्त सबने पीछे मुड़कर उन दोनों गुंडों को पहचान लिया। बच्चों ने मिलकर उन पर हमला बोल दिया लेकिन इस बार वो एक बच्ची को मारने की धमकी देकर पैंडा डिवाइस लेकर भाग गए। फिर बच्चे मिलकर प्रिंसिपल के पास गए और पुलिस को बुलाकर सारा माजरा समझाया। वहीं ली खुद को इस सब का जिम्मेदार समझ रहा था क्योंकि अगर उसने फैंग को चुनौती नहीं दी होती तो लैन अपने बैग से दूर ही न जाती। लेकिन बाकी बच्चों ने उसे दिलासा दिया कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आखिरकार लैरी के हाथ वो डिवाइस लग गया और उसके जरिए उसने कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम चलाया लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी ये वो नहीं जानता था। उसने कुछ प्रोग्रामर्स को बुलाकर लॉक खोलने के लिए कहा लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी कुछ हाथ नहीं लगा। अब लैरी के गुस्से की सभी हदें पार हो गई थी। तभी उसने डॉक्टर हैन के फोन पर उसकी बेटी का मैसेज देखा। लैन चाहती थी कि उसके पिता उसके जन्मदिन के लिए कल घर आ जाएं। लैरी ने डॉक्टर हान की तरफ से कल पार्टी में पहुंचने का वादा कर दिया। अगले दिन लैन और उसके दोस्त जन्मदिन की पार्टी की तैयारी कर रहे थे। बाकी सब लैन को घर में अकेला छोड़कर उसके लिए तोहफे लेने गए। तभी लैन को उसके पिता का मैसेज मिला कि वो घर के बाहर आ गया है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली उसे किसी ने अगवा कर लिया और गाड़ी में डालकर ले गया। उसी वक्त ली और उसके दोस्तों ने लैन को वैन में देखा और अपनी साइकिल्स लेकर उसका पीछा करने लगे। अंत में सब डॉक्टर हान की लैब में पहुंचे और लैन को ढूंढने लगे। वहीं लैरी और उसके बिजनेस पार्टनर में बहस छिड़ी हुई थी क्योंकि लैरी उस खास डिवाइस को कल बेचने वाला था लेकिन अब तक उसे उसका पासवर्ड तो पता नहीं। अब लैरी गुस्से में लैन के गले पर चाकू रखकर उससे पासवर्ड पूछने लगा। लैन ने जवाब दिया, कैसा पासवर्ड? और उसी वक्त वो प्रोग्राम चालू हो गया। बाहर शुरुआत वाले दोनों गुंडे अड्डे की रखवाली कर रहे थे। ली और फैंग ने उन पर हमला करके उन्हें कुछ ही पलों में चित कर दिया। लेकिन इसके बाद उनका सामना हुआ लैरी के आदमी ब्रैडली से। वो भी एक खतरनाक फाइटर था इसलिए ली और फैंग मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। अंदर लैब में लैरी की डील पक्की होने ही वाली थी कि उसी वक्त यू ने आकर चुपके से अपनी बहन और पिता को रिहा कर दिया। ली ने भी वहां पहुंचकर गुंडों का मुकाबला किया।
उसी वक्त लैरी पेनड्राइव वाला बैग लेकर बाहर की ओर भागा, लेकिन डॉक्टर हान, यू और लैन ने मिलकर उसकी धुलाई कर दी। ली एक बार फिर से ब्रैडली के साथ मुकाबला करने में फैंग का साथ देने पहुंच गया। आखिरकार वो दोनों मिलकर उसे हराने में कामयाब हो गए। अंत में पुलिस भी वहां पहुंच गई और सारे गुंडों को पकड़ लिया। बाद में ली और यू को उनकी बहादुरी के लिए प्रिंसिपल ने मेडल दिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।